नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर आई हूँ और जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो नया विषय है जो व्याकरण से संबंधित है, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो है आप लोगों को एक अंक के लिए तो पूछा जाएगा या दो अंक के लिए पूछा जाएगा, अधिकतर जो है एक अंक के लिए पूछा जाता है। बहुत से बच्चों को जो है ये बहुत ही कठिन जा रहा है, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं ये संक्षिप्त में वीडियो बना रही हूँ, पूरा स्पष्टीकरण मैं नहीं बता सकती समय की कमी के कारण। तो जो आप लोगों में महत्वपूर्ण आप लोगों को कुछ संकेत है उसे याद रखना है, कुछ शब्द है उसे याद रखना है और उससे ही क्या है प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। इसके जो है मैं यहाँ पे लिखी हूँ प्रेरणार्थक क्रिया, इसके जो ये ऐसा है प्रेरणार्थक क्रिया कि आज अगर मैं कुछ कार्य करना चाहती हूँ और किसी कारण वो कार्य मैं नहीं कर पाती और मैं क्या करती हूँ अपने भाई को या अपनी बहन को कह देती हूँ कि ये कार्य तुम कर दो, अर्थात क्या है मैं उसे प्रेरणा दे रही हूँ कि तुम इसे कर दो या मैं उसे कह रही हूँ कि तुम इस कार्य को करो। तो ये क्या है प्रेरणार्थक प्रेरणा से बना हुआ है, तो इसीलिए क्या है मैं वो कार्य क्या कर रही हूँ किसी दूसरे से करवा रही हूँ या उसे करने के लिए कह रही हूँ, तो ये होता है प्रेरणार्थक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो भेद बताए गए हैं या दो रूप कह सकते हैं आप लोग प्रेरणार्थक क्रिया के, एक तो है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, दूसरा जो है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ठीक है, यहाँ पे जो है दो शब्द जो है यहाँ पे आते हैं जिससे तुम लोगों को उन शब्दों के प्रयोग करके क्या है वाक्य बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ प्रेरणार्थक में आना लाना, ठीक है, ये दो का प्रयोग करना है तुम लोग को, अर्थात ये ना का अधिक प्रयोग होना है वाक्य बनाने के लिए। तो इससे ही क्या है इस शब्द का प्रयोग ना का प्रयोग करते हुए क्या है वाक्य को तुम लोगों को बनाना है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप देना है। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वाना इस शब्द का प्रयोग करना है, तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तुम लोग भटकना नहीं चाहिए, इसीलिए ये दो में आसानी से और क्या सरल रूप से आप लोगों को प्रेरणार्थक क्रिया को समझा रही हूँ। तो यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग करके प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है और द्वितीय में जो है वाना शब्द का प्रयोग करके द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द बनाना है आप लोगों को। तो सबसे पहले और एक बात जो है बहुत कम लोग जानते हैं, जब भी क्रिया ये क्रिया है, जब भी क्रिया जो है जैसे पीना, ये ध्यान दे आप लोग बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे पीना, यहाँ पे ई जो है बड़ी है मगर यहाँ पर दो तरफ जो है ई छोटी आ जाती है, इसका ख्याल रखिए आप लोग। हमने यहाँ पे पीना लिखा है तो यहाँ पे पीना, सॉरी पिलाना, ठीक है, देखो मैंने ना का प्रयोग किया है, यहाँ पे ला का भी प्रयोग किया पिलाना और यहाँ पे छोटी पी का प्रयोग करके छोटी ई का प्रयोग करके पिलवाना। यहाँ पे देखो मैंने ये आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, बहुत से बच्चे जो है ये यहाँ पर जो लिखा जाता है क्रिया पे वही जो है यहाँ पर शब्द को लिखते हैं। मैंने यहाँ पे ई जो है बड़ी लिखी है और यहाँ पे छोटी लिखी है और यहाँ पर भी क्या है मैंने छोटी लिखी है। इसी तरह से जो है लूटना और इन शब्दों का प्रयोग किया मैंने, पिलाना पिलवाना, देखिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे लूटना, अब यहाँ पे वो जो है मैंने क्या किया है छोटा लिया है लुटाना। ठीक है, लुटवाना, तो यहाँ पे मैंने छोटा ऊ लिया है
यहाँ पे बड़ा है जबकि यहाँ पे छोटा उ है, और यहाँ पे बारह शब्द प्रयोग किया है, यहाँ पे भी ना का प्रयोग किया है शब्द का। इसी तरह से जो है हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है इन शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब जैसे क्रिया आप लोगों को जो है कभी कभी क्रिया दी जाती है और अधिक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, इस बात का ख्याल रहे जब भी छोटी ई आए और क्रिया में जो है बड़ी ई आए या बड़ा उ आए तो आप लोगों को यहाँ पे छोटी ई लगाना है और छोटा उ लगाना है और शब्द को लिखना है। कोई ऐसे नहीं लिखेगा पीना है तो पीना ऐसा नहीं लिखना है, पिलाना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पिलाना ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे छुपना, छुपना नहीं देंगे, पूछना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बड़ा हूँ पूछा, ठीक है, पूछा है तो यहाँ पे पूछना, पूछवाना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, पूछना है, पूछवाना है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ऊ का देखो, यहाँ पे मैंने बड़ा ऊ प्रयोग किया है, यहाँ छोटा, यहाँ पे छोटा, तो ये जो है आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है, जब भी बड़ी ई यहाँ पे आएगी आप लोगों को छोटी ई और छोटी ई यहाँ पर लिखना है, इससे वाक्य बनाना है। तो ये प्रेरणार्थक और ना का प्रयोग करके प्रथम प्रेरणार्थक पूरा करना है और वाना का प्रयोग करके द्वितीय वाक्य को पूरा करना है। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर एक देती हूँ, हम करेंगे यहाँ पे जग, जगना, ठीक है। तो अब हम प्रश्न आएगा जगना का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द क्या है, तो जगाना, देखिए आखिर में ना आया, जगवाना, इस तरह से बहुत से शब्द आप लोगों को दिए जाएंगे। कभी प्रथम क्रिया दे, प्रथम प्रेरणार्थक दिया जाएगा जगाना, उसका द्वितीय जो है प्रेरणार्थक शब्द क्या होगा, तो इसे क्या करना है आप लोगों, इसे मिटा कर वाना लगा के छोड़े, तो ये हो गया द्वितीय, ठीक है। कभी द्वितीय दिया जाएगा कि आप लोगों को क्या है जगवाना लिखा है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक लिखिए, तो आपको क्या करना है जगाना, ना का प्रयोग करके आपको शब्द को पूरा करना है। तो इस तरह से जो है वाक्य को नहीं कहेंगे, माफ कीजिए, शब्द को पूरा करना है। तो ये बहुत ही सरल, मैं समझती हूँ सरल और आसान है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, मगर इस बात का बहुत ख्याल रहे कि यहाँ पे जब भी बड़ी ई आ जाएगी तो इधर छोटी ई का प्रयोग करना है, बड़ा ऊ आ जाएगा तो छोटा ऊ का प्रयोग करना है। इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि शायद आप लोगों को ये जो है वीडियो पसंद आए। मैं फिर एक बार संक्षिप्त में समझा दूं कि प्रेरणार्थक क्रिया के जो है दो रूप होते हैं, पहले जो है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक में आना और लाना ये दो शब्द का प्रयोग करके आप लोगों को शब्द बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाना का शब्द प्रयोग करके आपको शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे जब भी बड़ा ऊ या बड़ी ई आ जाए तो आप लोगों को यहाँ पे छोटा ऊ छोटी ई का प्रयोग करके उस शब्द को बनाना या लिखना होगा।
यही यहाँ पर इतना ही मैं संक्षिप्त में बता सकती हूँ। आप लोगों को समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये शायद वीडियो समझ में आए और पसंद आए। इसी के साथ मैं उपस्थित ये करती हूँ। आज्ञा देती हूँ। नमस्ते।